आदाब हैदराबाद आदाब नाजरीन दूरदर्शन यादगिरी चैनल के खसूस प्रोग्राम आदाब हैदराबाद के तहत एक मुलाकात में हैदराबाद के तंज़ मिजा के बड़े जाने माने शायर जिसे आप और हम फरीद शहर के नाम से जानते हैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने आ, मुकामी मुशारा हो या फिर बैरूनी ये अपना रंग जमाते हैं और बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में कलाम सुनाकर लोगों की वाह लूटते हैं और खूब लूट पोट करवाते हैं अपने खैों के ज़रिए तो आज आपसे हम मुलाकात करवा रहे हैं जनाब फरीद सहर साहब से फरीद सहर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में बेहद शुक्रिया मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया जी तो चलिए शुरुआत हम यूँ करेंगे कि आपने जो जो शायरी की शुरुआत की वो किस तरह हमें बताएँ देखिए साहब स्टूडेंट लाइफ से ही मुझे शायरी का शौक़ था अदब का शौक़ था और बिलखसूस नसर निगारी में मुझे बहुत शौक़ था बड़े बड़े अफसाना निगारों की किताबें पढ़ा इबन सफ़ी को तो घोल के पी लिया अच्छा और जो है ना सलमा कवल हैं और बहुत से अच्छे खातून मुसनफिन हैं उनकी किताबें पढ़ा पढ़ाऊँ मुंशी फयाज़ अली वकील की किताबें तो उससे बहुत मुझे एक कस्म की उपज होती थी कि कुछ मैं भी लिखने के काबिल बनूँ चाँच पहली गज़ल मेरी उन्नीस सौ छसठ में जब मैं ग्यारहवीं जमात में था उस अच्छा। तो जमाने में ग्यारहवीं जमात हुआ करती थी जी जी पहली गज़ल हुई और का स्कूल के मैगज़ीन में छपने का शर्फ हासिल हुआ अच्छा तो फरीद सहर साहब हमें ये बताइए कि शुरुआत आपने संजीदा शायरी से की या फिर तंज व मिज़ा के जरिए ही अपने इनिंग का आगाज़ किया जी संजीदा शायरी से मैंने शुरू की चूँकि उस ज़माने में तीन चार मुशायरों में शिरकत का मौका मिला अच्छा और सजीदा शुरा हैदराबाद के इस शुरा को सुना मैं अच्छा ख्वाजा शौक साहब को अवैध यखुफी साहब को और अहमद जलील साहब को तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे भी कुछ कहना चाहिए अच्छा तो चाहे पहली गज़ल मैंने लिखी तो सिर्फ पाँच शेयर कहे थे मैंने अच्छा तो हमारे उस्ताद अल्लाह ताला उनकी मफ़रत हाजत अबू तुराब सिद्दीकी साहब बहुत बड़े मुर्शद भी थे और हमारे उर्दू के उसद थे वो लिख के देखे देख के वो के कौन लिख के दिए बोला नहीं मफ्ताब मैंने कोशिश की है माशाल्लाह माशाल्लाह के दो अशार में उन्होंने तब्दीली की अच्छा तो ठीक है बोला गज़ल छप गई अच्छा अब हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था हम बोले कि हम भी शायर हो गए हालाँकि यक़िन मैंने खाफिया रद्द से वाकफतनी थी मगर एक गज़ल मैं देख रहा था कि अभी पूरे लाइन से काफी नजर आए मुझे, मुझे। बोला ये ही वजन में होना चाहिए और ये हर शेर में होना चाहिए वो कहकर मैंने लिख दी अच्छा और वो मंजूर भी हो गई शायर भी हो गई अच्छा तो अपने आप को शायर कहेंगे ही बिल्कुल यकीन और खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता क्योंकि पहली मरतबा आपने एक कलाम लिखा और हमारे उस्ताद मोहतरम ने उसकी तस्वीर भी की और मंजूर भी की हाँ वरना तकरीबन बच्चे लाके दिए थे सबकी गज़लें रद्द कर दी गई इस नाची सी गज़ल को कबूल किया गया अच्छा अगर फरीद भाई आपको याद आता है कि आपने गज़ल तो लिखना शुरू किया लेकिन अगर मुशायरे का हम ज़िक्र करें तो वो पहला मुशायरा आपने कहाँ पढ़ा होगा अगर आपको याद आता हो तो आप ज़रूर बहुत अच्छा सवाल किया आपने उस गज़ल के छपने के बाद मेरी तो आदत यह हो गई कि पढ़ाई छोड़ के मुशायरों में शिरकत करना शुरू कर दिया अब घर में भाई साहब वग़ैरह तो सबको मालूम होगा कि नहीं पढ़ रहा लिख रहा नहीं <laughs> हाथ से निकल जा रहा बच्चा तो वालदा साहब मैंने कहा कि देखो बेटे पहले आप देखिए हालत कैसे हैं आप अपना फ्यूचर बनाओ शायरी से फ्यूचर नहीं बनेगा आपका आप थोड़ी देर के रोक दो बोले फिर भी मैं एक दो महीने तक छुप छुप के जाने लगा उसके बाद ज़रा सख्ती होने लगी बोले कि जब तक आपकी तालीम कम्प्लीट नहीं होगी मुकम्मल नहीं होंगी जब तक आप कोई शेयर कहने की कोशिश नहीं करेंगे अच्छा उस दौरान दो तीन गज़लें हैं मगर अगला से भरपूर थी पहली गज़ल अल्लाह ताला का फजलता हो गई तो उसके बाद में खामोश बढ़ गया अच्छा हुआ यूँ कि उन्नीस सौ तिरासी में जब मैं मुलाजिम मंथ में आ गया और तंजो मिजाज से मेरा तल्लु पता मुजाम जब बहुत सारे लिखे मैंने तकरीबा पंद्रह बीस मजामी हो गए और छपने भी लगे रहन कर छपता था अच्छा उस जमाने में उसके बाद शगुफ़ा में छपने लगा जिंदा दिल्ल ने हैदराबाद तर्जुबान उसके बाद अब ख्याल हुआ कि अब तक उतरना चाहिए मैदानी मुलाजिमत भी मिल गई थी शादी भी हो गई थी बाल हो गए थे, <laughs> थे थी थी से फिर आहिया हुआ उस शायरी का ओके okay. अच्छा फरीद भाई आपने बताया कि काफ़ी गैप रहा आपकी शायरी के दरमियान क्योंकि आपने मुलाजिमत फिर शादी का मसला हाँ। ये सारी चीज़ें जब सारी चीज़ें मुकम्मल हो गई तो फिर आपने इस फन को ही आगे ले गए और फिर आपने बाबा मुशायरे पढ़ना शुरू किया जी तो एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने शुरुआत तो की थी संजीदा शायरी से लेकिन फिर उसके बाद आपने रुख किया तंजु मिदा की तो आप हमें यह बताइए कि आप कितना फ़र्क महसूस करते हैं संजीदा शायरी में और तंजु की शायरी में जी संजीदा शायरी की बहुत एहतराम करता हूँ इज़्ज़त करता हूँ इसलिए आदमी को संजीदा रहना भी ज़रूरी है मिजा के लिए लेकिन मिजाह जब आदमी मिजा में आता है तो अपनी संजीदगी को बरकरार रखते हुए लोगों के चेहरों पर तबसम लाने का वो भी ख़्याल हो जाता है चाँचे एक मुशायरे में उन्नीस सौ तिरासी तक लिखना शुरू किया मगर मुशा में शिरकत का मौका नहीं मिला मुझे क्यों नहीं मिला कि मेरी मुलाजिमत मुझा गाँव में थी अच्छा हैदराबाद आ नहीं सकता था उन्नीस सौ पचानवे में पहली बार मुझे मुशायरा पढ़ने का मौक़ा मिला अच्छा तो उस वक्त क्या हुआ इतफ़ाक़ से जिंदा दिला ने हैदराबाद के एक मशा में शिरकत किया तो एक शायर ने गजल सुनाई और वो वो, वो बिल्कुल यानी शायर का मैन ऑफ द मैच बन गया तो उसी से मैंने वहीं बैठे बैठे गजल कही अच्छा चौथे या पांचवें दिन एक मुशायरा आया तो मेरे बचपन के दोस्त रऊफ रहीम थे अल्लाह उनके मकबत जी तो उनसे मैंने जिक्र किया तो आप कब से कह रहे हैं उनको मैं, किसी से मैंने जिक्र नहीं किया था कि मैं शायरी करूँ शुफा में छपरा था अच्छा तो क्या नाम से शहर के नाम से अच्छा वही नाम तो लोग ये समझ लगे शायद को उस्ताद मिल गए इनको मगर मैं किसी के सामने इजहार भी नहीं किया तो उसके बाद मेरी गज़ल उन्होंने देखी वो अरे फरीद भाई परफेक्ट गजल है और बचपन के बहुत गरीबी साथी थे बल्कि यूँ कहीं एक बेतकल्फ़ साथी थे संजीदा गज़ा लिखा था हम उसके ऊपर अच्छा नहीं फरीद भाई आपका मिजाज मिजाहिया है और आप मिजाहिया मज़हम लिख चुके हैं आप इस मैदान में आ जाइए इन आप काफ़ी तरक्की करेंगे उनके बोलने पर फिर मिजाहिया कलाम शुरू करने लगा और यकीन उससे उससे पहले मेरे सौर आपको मैं बोलूँगा मिजा और तंजिया के अलावा मुझे नाते लिखना बहुत पसंद थी तो नात्य शरीफ लिखने के बाद तो मेरे समझिए कि मेरे फन में कमाल आ गया बिल्कुल गया। सही बात है ऐसा हकीकत है तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कोई नातिया कलाम से हो बेशक मुझे मैं भी यही चाह रहा था कि अगर आप कहें कि कुछ तो मैं आपको रोकने वाला था आपने वो मेरे मुकुमत छीन ली नहीं, मैं बेहद शुक्र गुजार हूँ आपका देखिए कि नात्य शरीफ का एक खतः समत फरमाए रब के आगे सर को झुकाना अच्छा लगता है क्या बात है रब के आगे सर को झुकाना अच्छा लगता है और दुआ को हाथ उठाना अच्छा लगता अच्छा है। लगता है रब के आगे सर को चुकाना अच्छा लगता है और दुआ को हाथ उठाना अच्छा लगता है नजम रुबाई और गजल तो हम भी कहते हैं नजम रुबाई और गजल तो हम भी कहते हैं लेकिन हमको नात सुनाना अच्छा लगता, लगता है, है। लेकिन हमको नात सुनाना अच्छा लगता है क्या बात बहुत अच्छी बात एक खतः और सम्मत फरमा लीजिए कि अफसाने बहुत मैंने लिखे कुछ नहीं मिला अफसाने बहुत मैंने लिखे कुछ नहीं मिला और तो कंगाल हो गया अफसाने लिखे कुछ नहीं मिला और तो कंगाल हो गया लेकिन मेरे नबी का करबी का करम देखिए सहर।, सहर नाते शरीफ लिखते ही खुशहाल हो गया क्या बात है नाते शरीफ कहते ही खुशहाल हो गया सुबह बहुत अच्छी बात उसके बाद अलहमदुल्ला नातिया मजमु कलाम शायद हुआ मेरा अच्छा शह कौनन के नुमान से अच्छा तो जब आप याद करते हैं तो आपने कितने आ, अगर नातिया कलाम तो आप कहते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुशायरे में आप जाते भी हैं लेकिन मजमू कलाम का हम जिक्र करें तो कितने मजमु कलाम है? अब तक सात मजमू कलाम और मजाम शायर हैं अच्छा, दो नसरी चार मिजाहिया और एक नातिया कलाम अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है मतलब ये कि आप आ, करीब दस बारह और दुआ फरमाइए आप लोगों की दुआओं की जरूरत है कोशिश करता हूँ बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है क्योंकि देखिए जितने शोरा आते हैं उनका मजमु कलाम ही नहीं होता जी लेकिन आपने वाकई बहुत आ, बड़ा कमाल का, का काम किया है और बड़ी हिम्मत वाली बात है करम उनका करम है फजल है और कुछ भी नहीं नहीं उमन आ, फरीद भाई हमें यह बताइए कि जितने शोरा होते हैं कई नामवर भी शोरा हो जाते हैं लेकिन उनका मजमू कलाम एक भी नहीं होता उसका रीज़न या उसकी वजह आप उस... क्या कहना चाहेंगे मेरे नाचिस ख्याल में उसकी वजह एक ही हो सकती है कि या तो वो लोग कुछ फिनैंशियल प्रॉब्लम होगा या नहीं तो मुतमिन नहीं अपने कलाम से अच्छा ये भी हो सकता मगर वसूसा नहीं कह सकता मैं ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि फिनैंशियल प्रॉब्लम बहुत रहता है बाद शरा को जानता भी हूँ तो उसकी वजह से अब अलहमदिल्ला हमारे पास उर्दू अकेडमी आई है मदद करे तो बहुत सारे लोग छाप रहे हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है नहीं छपने का अच्छा सबक में नहीं छपे मैं ऐसे शहरा को भी जानता हूँ मोहतरम जानी साहब इतने बेहतरीन अशार हैं उनके पास और उनका मजमु कलम शायन हुआ और दुनिया से रुखत हो गए नहीं कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि उनका जो बहुत ही ज़बरदस्त कलाम जी जो मुशायरे में लूट भी लेते हैं उसको अगर मजमे की शक्ल में अगर ला लें तो शायद फिर वो कलाम पुराना हो जाएगा या फिर लोग वही कलाम सुनते सुनते अरे भाई आपने ये कलाम सुनाया था हमने मजमे में भी देखा है तो ऐसा मुझे लगता हाँ, है आपका ख्याल भी बिल्कुल सही है ऐसा हो भी सकता है मगर बास लोगों का कलाम अभी भी लोगों का हजबर याद है हाँ बिल्कुल कलाम में उतनी उतनी वसुत होना उतनी गहराई होना बेशक बेशक सही बात है और देखिए और एक बात है कि कोई शायर हो या आर्टिस्ट हो उसका कोई एक बेहतरीन आइटम हो जाता है उसकी एक बेहतरीन ग़ज़ल हो जाती है जिसके ज़रिए ही वो आगे चल पड़ता है लेकिन हमेशा वैसे ही कहें भाई उसी तर्स का या फिर वही बेहतरीन तरीक़े से लिखा जाए तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ थोड़ा सा हाँ बिल्कुल मुश्किल पैदा होती है मगर आजकल हमारे शहर हैदराबाद को एजाज़ हासिल है कि हर हफ़्ता हर महीना कहीं ना कहीं तरह ही महफ़िल हो रही है अच्छा उससे लिखने का हमको बहुत मौका मिला और मुझे तरह ही मुशा से अलहमदिल्ला बहुत यानी लिखने की काबिलत पैदा हुई मैं ऐसे महफिल लिखे मैं बतौर खास जाता हूँ चलिए वैसे नाजरीन हम आपको बता दें कि फरी सहर साहब का एक और कमाल ये है कि आप दरस व तदरीस से भी वाबसा रहे हैं और अलहमदिल्लाड मास्टर के बाद ये रिटायर्ड हुए हैं तो एक सवाल मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने दर्स तजरीस के साथ साथ इस फन को भी आप आगे ले गए हैं तो ये दोनों का बैलेंस आपने किस तरह किया क्योंकि वो बड़ा ही ज़िम्मेदारी का काम है और अगर आप हेडमास्टर बनते हैं तो स्टाफ का टेंशन कौन नहीं कौन नहीं फिर स्टूडेंट्स के जो मसाइल ये सारी चीज़ें होते हुए भी आपने आ, इस फन को आगे ले जाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा तो थोड़ा सा हमें बताइए कितनी पेचिदगियाँ आई होंगी या फिर कितने मसाइल पैदा हुए होंगे नहीं आप जैसा फरमाएं ज़िंदगी इज़ अ चैलेंज उसको कबूल करना है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितना भी स्टाफ मिला बहुत कोऑपरेटिव मिला अच्छा और ख़ास बात आप सुन के हैरत होंगी कि एच एस सी तक मैंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल की और हमारा जहाँ मामला है उसके बाद उर्दू मीडियम का कोई वजूद नहीं था डायरेक्ट पी यू सी में अंग्रेजी मीडियम में चले गए बी एस सी अंग्रेजी मीडियम फिर बी एड अंग्रेजी मीडियम और अपॉइंटमेंट होता है तेलुगु मीडियम में अच्छा जबान यारंतुर की मंतुर की नवी दानम का मामला था और तेलुगु मीडियम पे पाँच साल टीचर रहा जैसे ही बी एड कर लिया मैं तेलुगु मीडियम पर हेड मास्टर बनाकर भेज दिया गया अच्छा और वहाँ सब तेलुगु बोलने वाले अच्छा और मैं उर्दू दा तो दो दिसंबर को मैंने जायज़ा लिया एज एड मास्टर तो गाँव के सरपंच वगैरह सब आए तो बात करते मैं उर्दू बात करता हूँ सर बट मैं अटला जब तक तो मेरे माँ पिल्ला लोग को बोले हूँ अच्छा आप बच्चों को कैसा पढ़ाते मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ साहब इससे पहले पाँच साल के सर्विस है उस दौरान मुझे दो मरतबा अंग्रेजी लर्न इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग कोर्स का डिप्लोमा हासिल कर लिया अच्छा तो उसमें इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना है डायरेक्ट मेथड से तो लोग खुश है करें तो उसके बाद जो है टीचर्स मेरे नाम मिलिया जो बी एस सी जोलॉजी से पढ़ के आए थे उनको साइंस का पीरियड दे दिया जो मेरा सब्जेक्ट था वो लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, थी। फायदा मैं उठाया ये हो गया अब यही शायरी की बात थ्रीडमासन तो अच्छा। के बाद में, में क्या बात है तो उस दौरान जो है ना मैं लिख लेता था मुशारों को मौका मिलता नाइनटी फाइव से जब मैं स्टेज पे आना शुरू हुआ तो जब मैं हॉलीडेज में ही मुशारा पढ़ता था अच्छा अपनी सर्विस में फर्क पड़ने नहीं दिया कभी बाहर के का बम्बई का मशारा आया भिवंडी का मशारा आया गुलबर्ग का आया और उस्मानाबाद का मुशारा तो मैं देखता था अगर हॉलीडे है तो मैं यस बोलता था दिस दिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिल्कुल ये मेरे रोजे रोजी का सवाल बच्चों के मुस्तबिल सवाल है मुझसे कभी समझौता नहीं किया सही बात इसीलिए मुझे दुआएं मिली सबकी सही बात है बिल्कुल सही बात है हाँ हकीकत बात यह है कि आपने जो जिम्मेदारी को निभाया बिल्कुल अब देखिए अब तो रिटायर्ड होने के बाद अब शायरी ही शायरी हैल तो बहुत सारी बातें होंगी और भी बहुत सारी बातें हमारे फरीद साहब से हम जानेंगे लेकिन एक कलाम हो जाए अच्छा पहले एक दो खता इरशाद। मेरा तारुफ है मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं। आए है मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं आए है क्या बात है मुझको सिखा सके ये किसी में भी दम नहीं मेरा कलाम खुद भी तो गालिब से कम नहीं और सपनों में दाद मीर से मैंने जोली शहर अरे क्या बात है सपनों में दाद मीर से मैंने जोली शहर मोहताज अब किसी का भी मेरा कलम नहीं वाह वाह क्या मोहताज अब किसी का भी मेरा कलम नहीं एक और तारुफ है एंग्लो उर्दू खाता है ये कैसे खिलता है कमल आई डोंट नो कैसे खिलता है कमल आई नो टॉप का पोएट हुए से मैं शहर अब किसको कहते हैं गजल आई नो किसो कहते हैं गज़ल आई डोंट नो और एक खतः देखिए कि अशार मेरे यूँ तो हंसाने के लिए हैं क्या बात है अशार मेरे यूँ तो हंसाने के, 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 यू तो के लिए हैं कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं क्या बात है अशार मेरे यूँ तो हंसाने के लिए हैं कुछ शेर मगर रब को मनाने के लिए हैं मुमकिन नहीं हर शेर पे तुम दाद मुझे दो अच्छा मुमकिन नहीं हर शेर पे तुम दाद मुझे दो कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए हैं कुछ शेर मगर ताली बजाने के लिए क्या बात है फरीद साहिर साहब हमें ये ज़रूर बताएं कि आपने हिंदुस्तान के अलावा बैरूनी ममालिक में भी अपना कलाम सुनाया होगा तो अगर याद आता हो तो कहाँ की ऑडियंस आपको अच्छी लगती है जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिद्दा में मुशायरा पढ़ा हज के मौक़े पर बतौर खास मुझे मधु किया गया था तो और फिर मेरी सदारत मुशारा वहाँ होटल शादा में बहुत अच्छा मुशारा हुआ पूरा पुर पैक था बिल्कुल और ख़वान हजरात की काफ़ी तादा, अच्छी तादाद थी उसके बाद फिर मस्खत में हमको मदु किया गया निजाहिया मुशारा था तो मैं शाहिद अदीली और वो पाशा ख़री गए थे और निजामत खाकसार की थी बहुत पसंद किया गया और हर दो मकाम के सामान को किसी को कम नहीं कह सकते किसी को इतने अच्छे सामान मिले और जब हम स्टेज से उतर के आए तो गोया ऑटोग्राफ लेने, लेने के लिए लोग उमट पड़े हैं क्या बात तो यह है मेरी खुश नसीबी है हम तीनों की भी खुश नसीबी है अच्छा पढ़ के हम लोग आए बल्कि अच्छा तो हमें यह बताइए कि जो बैरूनी ममालिक में मुशायरा मन्द होता है फिर आप हैदराबाद को जब देखते हैं तो ऑडियंस में आप क्या फ़र्क आडियंस में देखिए वो लोग बैरून मर्ग के लोग तरसे हुए रहते प्यासे रहते कलाम सुनने के लिए बिलखसूस तंज़ों में जहाँ के तो उनसे ज़्यादा दाद मिलती है हमको और अच्छा। बहुत अच्छा उनका अपियरेंस रहता बहुत हसने से लोग भी देखने का रहता समझिए खाली ज़रा आप पलट के देखें तो क्या हो रहा पूछते बाजू खड़े हुए लोग यानी मेहमान अवजे में, 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 में इतना अच्छा उनका किरदार था अच्छा शादाब होटल में जो मुशारा हुआ मेरी सदारत में वहाँ पर तमीज़ परवा साहब से थे हमे इकबाल साहब भी आए थे हम लोगों की एजात में रखा गया था वहाँ पर अच्छा तो वहाँ भी ऐसा देखा और मस्खत में तो बस एक एक हर हम हर शायर के साथ एक शख्स को खड़ा कर दिया गया था अगर उनसे कुछ ज़रूरत पेश है तो उनको ताखिर नहीं करना उनकी खिदमत में बहुत अच्छा लगा मुझे जब आपने वहाँ पर मुशायरा लूट लिया और खूब दाद हासिल की तो वो कौन सा कलाम था होगा अगर हमारे नाजरन को ज़रूर सुनाए अजब चमन का यह मंजर है क्या किया जाए अजब चमन का यह मंजर है क्या किया जाए हर एक शाख पे बंदर है क्या क्या किया जा जाए? जाए हर एक शाख पे बंदर है क्या किया जाए और एक मतलब देखिए कि ख्याल लोगों का अक्सर है अच्छा। क्या किया जाए ख्याल लोगों का अक्सर है क्या किया जाए मेरा कलाम फटीचर है क्या किया क्या किया जाए ख्याल लोगों का अक्सर है क्या किया जाए मेरा कलाम फटीचर है क्या किया जाए और से देखिए कि जिधर भी देखो यह मंजर है क्या किया जाए आखिरी मतला है जिधर भी देखो यह मंजर है क्या किया जाए मुरीद बीवी का शौहर है क्या, क्या किया जाए मुरीद बीवी का शौहर है क्या किया जाए और शे देखिए वो जिसके इश्क़ में बर्बाद मेरी लाइफ हुई वो जिसके इश्क में बर्बाद मेरी लाइफ हुई वो मेरे बॉस की डाटर है क्या क्या किया जाए वो मेरे बॉस की डाटर है क्या किया और जिसके इश्क में बर्बाद मेरी लाइफ हुई वो मेरे बॉस की डाटर है क्या किया जाए और शेर देखिए कि जरा सा लेट जो कल रात घर को लौटा मैं आहा जरा सा लेट जो कल रात घर को लौटा मैं हर एक निवाले में कंकर है क्या क्या किया जाए हर एक निवाले में कंकर है जरा सा लेट जो कल रात घर को लौटा मैं हर एक निवाले में कंकर है क्या किया जाए और शेर कि यहाँ तो झूठ की करते हैं लोग गुलपोशी यहाँ तो झूठ की करते हैं लोग गुलपोशी मैंने ग्रह लगाने की कोशिश की ग्रह दी गई थी यहाँ तो झूठ की करते हैं लोग गुलपोशी अरे सलीब सच का मुखदर है क्या किया क्या किया जाए क्या बात बहुत यहाँ तो झूठ की करते हैं लोग गुलपोशी सलीब सच का मुखदर है क्या क्या किया जाए सलीब सच का मुद्दर तो है क्या किया जाए आखिर शेर है कि मैं काम चोर हूँ हाजत है मुझको पैसों की अरे वाह मैं काम चोर हूँ हाजत है मुझको पैसों की नज़र में बीवी का जेवर है क्या किया क्या किया जाए मैं काम चोर हूँ हाजत है मुझको पैसों की और नज़र में बीवी का जेवर है क्या किया जाए नजर में बीवी का जेवर है क्या किया जाए और मख्ता बर्दाश्त कर लीजिए सहार तो लिखता है रोतों को बस हंसाने को क्या बात सहर तो लिखता है रोतों को बस हंसाने को तुम उसको कहते हो जोकर है क्या किया था? क्या किया जाए तुम उसको कहते हो जोकर है क्या किया जाए जिधर भी देखो यह मंजर है क्या किया जाए जिधर भी देखो यह मंजर है क्या किया जाए मुरीद बीवी का शौहर है क्या किया जाए क्या बात है फरीद भाई एक सवाल बड़ा अच्छा कलाम आपने सुनाया लेकिन तंज मिजहा के जितने भी शोरा आते हैं या फिर जो शायर पढ़ते हैं उनके साथ या तो बीवी या साला सास ससरा इनसे कोई नहीं बच पाता ऐसा क्यों क्या दूसरे टॉपिक्स नहीं हैं या फिर वालों को यही टॉपिक पर लिखने में मजा आता है बिल्कुल सही फरमाया आप मगर एक खास बात आप नोट किए होंगे कि आपने अपनी जिंदगी में भी पेश आए होंगे ये ज़रूर लोग जरूर, जरूर हमको मुतासर करते हैं कदम कदम पे इससे इम्कान और यह जगबीती होती है हम अच्छा। अपने आप पर लेके पेश करते हैं बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है नहीं आप मैं सही पर सुनता हूँ उन्होंने क्या बोलना है साल ऐसा कर दिया आप भी सुनते होंगे जी बिल्कुल बिल्कुल और बोलते हैं कि भाई घरवाली नहीं मान रही भाई हाँ ये अल्फाज में सुना हूँ इसलिए आशहार में लाना पड़ता है और लोग आते हैं कुछ इंजॉयमेंट के लिए आंसू बहाने के लिए नहीं आते आपसे रखते हैं कि कुछ छसेंगे तो ये टॉपिक उनको मन को भाते हैं उनके और ऐसे ही बात दिल को लगती है जो उन पर गुजरती है सही बात इसलिए हम कहते हैं नहीं लेकिन अक्सर जो है जो भी शायक होते हैं उनकी ये शिकायत रही है कि भाई आप देखिए जितने शोरा आए हैं तंज़ा के मैदान में वो लोग यही टॉपिक पर बोलते हैं तो क्या ये जो लोग कहना चाहते हैं क्या ये लोग भी शायर बनते बनते रह गए जो आपको टोकते हैं बिल्कुल <laughs> सही है। जो जिन पे गुजरती है उनको बुरा लगता है मैं पत, या खास बात कह रहा हूँ मैं कि भाई क्या बात कर रहे कि हमारा साल, बुरा लगता है <laughs> जो हरकत करते हैं बुरा बुरा लगता लगता है है खुद आपकी भाभी भी बोलते क्या आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता कुछ मतलब <laughs> तो फिर मेरे साथ अच्छा सलूक करना बोलते <laughs> <laughs> तो होता है इसको ईजी ले चलना चाहिए और शायर को ब्लेम नहीं करना मेरी गुजारिश है लेकिन एक बात है फरीद भाई ऐसे कलाम लिखने से हम घर में आसानी से बच जाते हैं और बड़ा अच्छा हंसने सुलूक होता होगा भाभी जी का <laughs> वरना फिर दो तीन शेर मेरे ऊपर ही लिख देंगे आप <laughs> नहीं जब मैं आ रहा था तो आपके भाभी ताकत करके जरा कम बोलो हमारे वाले <laughs> तो लाने वा आपके भाई सुनने वाले नहीं है वो सवाल बराबर करेंगे मुझे यकीन था आपका सवाल <laughs> <laughs> नहीं बिल्कुल जब आपने <laughs> बता बहुत दिया है आपके सवाल से मुझे बेहद मसरत हो रही है मैं सोच रहा था कि इसके जवाब सोचने के भी आया था वो जो कहता है ना मैं मुंजिम नहीं हूं मगर सोच के आया था कि आप मेरा ये हसर करने वाले हैं हसर नहीं देखिए जो ऑडियंस है सिर्फ

तो आप देखेंगे मेरे कलम में इसमें तो ये गज़ल जो सुना है आपको सिर्फ एक मरतबा आया कि मुरीद बीवी का शोहर है बाकी का सारा कलम जनरल है और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मैसेज दूँ और एक और शिकायत है वो ये देखिए जितने शायर हजरात होते हैं उनकी डबल इंजन की सरकार होती है आप समझ गए होंगे <laughs> तो क्या पहली बीवी से वो डांट डपट सुनकर फिर दूसरी शादी फिर दूसरी हमारी भाभी के पास हाँ <laughs> मेरे जानने वालों में भी है मगर हाँ। अब उनकी अपनी मर्जी है क्या हालात पैदा और खास तौर से बात यह है कि किस्मत लिखा के आते हैं हम <laughs> हमारे किस्मत में डबल इंजन है तो उससे गुजरना ही पड़ता है हमारे को <laughs> वैसे नाजरीन हम आपको बता दें कि डबल इंजन की सरकार आप समझ गए होंगे दो बीवियां जो भी रखता है उससे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार तो बहरहाल अक्सर हम जो है शोरा हजरत में बहुत ज़्यादा देखे हैं सर है तो तो बहरहाल चलिए यह तो खैर हंसी मज़ाक की बातें थी एक सवाल मैं फरीद सहर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी ज़िंदगी में आप सबसे ज़्यादा किस से मुतासर हुए हैं आपने सवाल किया मुझे थोड़ा गमगीन कर दिया मुझे हाथ मेरे वालना याद आ रहे हैं अपने वालदा से बहुत मुतासर हुआ हूँ अब यकीन नहीं करेंगे आज आपके सामने जो फरीद शहर जो बैठा हुआ नज़र आ रहा उन्हीं की जूतियों का तो फैल है बचपन में सिर्फ आठ साल का था मेरे वालद गुजर गए हम चार भाई और दो बहन थे उन सबको परवान चढ़ा के सबके शादियाँ करने के बाद दो रुखत हुई और काफ़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की मेरी वालदा ने आप हैरत करेंगे इन दैयर्स है फिफ्टी मैं फ़िफ्टी टू की पैदाश है फ़िफ्टी सिक्स से मैं स्कूल में शर्क हुआ तो मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाई मेरी वालदा ने मेरे वालद उनको जन्नत तसव करे तो उस ज़माने के अंग्रेज़ी मीडियम के एल एल बी थे तो उनके इंतकाल के बाद जो हमको ले कर चले पूरी मजहबी उसूल पर लेके चले कभी कुछ देखे तो बेटे आप ये गलत हरकत करें आपसे सिवा बात नहीं करते थे मेरी अम्मी और जब मैं जब मुलाजिमत में गया तो तकरीबन तीन महीने तक मैं नहीं आ सक उस जमाने में नारायण खड़े बहुत दूर पोस्टिंग थी तो रोज़ अपने हाथ से खत लिख कर डालते थे बेटे तुम कैसे हो क्या मुझे फौरी लिखो और जब मेरी पहली गज़ल देखे तो एच एस सी में तो बहुत खुश हो गए बोले अब आप रोक दो बेटे मैं दौ, मेरी दुआओं से तो बच्चे आगे चलते तरक्की करेंगे उन्हीं की दुआओं के तो फल के मैं शायरी के मैदान में भी कुछ पहचान बना पाया थोड़ी पहचान बना पाया तो उनसे मैं जिंदगी में मुतासर रहा और बात बात पर ये बोलते थे कि देखो बेटे अपना हाथ में सर रखो आज तक आपके दुआ से गरीब को ऐसा करने का मौका नहीं मिला तो उनकी दुआएं जो तो फैल है क्या बात है आप दुआ करिए अल्लाह आप भी दुआ अल्लाह उनकी मक़दत फरमाए बिल्कुल सही बात है तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं मिलते हैं एक मख्तसर से वक्फे के बाद आदाब हैदराबाद आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं तंज़ के जाने माने शायर जिसे आप और हम फरी सहर साहब के नाम से जानते हैं वक्फ़े से पहले हमने जानने की कोशिश की है उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी जो और शायरी की शुरुआत किस तरह हुई आ, अभी हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे बहुत सारी गुफ्तु भी हम करेंगे फरीद भाई आपने एक जो तराना लिखा है उर्दू के मुत मतलब, वो बड़ा ही ज़बरदस्त आप जहाँ भी जाते हैं उसकी फरमाइश की जाती है तो मैं चाहता हूँ कि वक्फ़े के बाद उसी तराने से आगाज़ करें जी आपका हुक्म पेश कर रहा हूँ मतला कितनी मीठी ज़बान है उर्दू कितनी मीठी जबान है उर्दू जैसे मिसरी की कान है उर्दू हाँ कितनी मीठी जबान है उर्दू जैसे मिसरी की कान है उर्दू और सारे आलम में धूम है इसकी क्या बात है सारे आलम में धूम है इसकी अपने भारत की शान है उर्दू क्या बात है सारे आलम में धूम है इसकी अपने भारत की शान है उर्दू इसका मजहब नहीं है कोई भी बेशक इसका मजहब नहीं है कोई भी एक सेक्युलर जुबान है उर्दू क्या बात है एक सेक्युलर जुबान है उर्दू बोल इसके भी क्या सुरिले हैं बोल इसके भी क्या सुरिले हैं है। जैसे मुरली की तान है उर्दू क्या बात जैसे मुरली की तान है उर्दू और शेर देखिए मिजा शेरा गा याद आती है बस इलेक्शन में हाँ याद आती है बस इलेक्शन में लीडरों की भी जान है उर्दू क्या बात लीडरों की भी जान है उर्दू और चार पैसे कमा भी लेते हैं शोरा की नज़र है चार पैसे कमा भी लेते हैं शायरों की दुकान है उर्दू क्या बात है साहब? क्या बात? चार पैसे कमा भी लेते हैं अ शायरों की दुकान है उर्दू आखिर शेयर है कि जुल्म सहकर भी मुस्कुराती है जुल्म सहकर भी मुस्कुराती है देखो कितनी महान है उर्दू क्या बात है जुल्म भी मुस्कुराती है देखो कितनी महान है उर्दू और मख्ता समात फरमाए क्या पहले होती थी मीर गालिब की हाँ है पहले होती थी मेरो गालिब की अब शहर की ज़ुबान है उर्दू क्या बात है साहब अब शहर की ज़ुबान है उर्दू कितनी मीठी जुबान है उर्दू जैसे मिसरी की कान है उर्दू क्या बात है बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त अच्छा फरीद भाई वैसे आपने बहुत सारी गुफ्तु के दौरान बहुत सारी चीज़ें बताई लेकिन एक चीज़ हमें याद आती है कोई यादगार वाक़ जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हो अगर आपको याद आता हो तो इस प्रोग्राम के जरिए हमें ज़रूर बताएं 2019 में हमें फिर उम्र के जाने की मौक़ा मिला शहादत नसीब हुई हम लोग उम्र के बाद मदीना शरीफ पहुँचे तो रात के ग्यारह बजे रहे थे तो हमारे काफ़िले में मेरे रूम में छः लोग थे हम लोग गए रोज़े पे हाज़िरी दिए उसके बाद नमाज बाहर आके बोले कि नमाज नहीं पढ़े अपन ईशा की तो चलिए तो मुझे आगे बढ़ा देगा मस्जिद नवे के सहन में नमाज़ पढ़ाने का शारफ मुझे हासिल हुआ और दुआ कर रहा हूँ तो आंसू जा रहे थे और पलट के देखा तो और पांच लोग शामिल हो गए तो उस मुकदस मकाम पे जब मैं आखा चले फिरे मुझे नमाज़ पढ़ने तो का कितना अहम वाक़ा नहीं है बोलिया बिल्कुल इससे बढ़कर और कोई वाक़ा नहीं हो सकता सही बात है आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे ये सवाल किया मुझे यादें ताज़ा हो गई मेरे लिए ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इब्तदाई दौर की शायरी और अब के बदलते रुझान पर आप क्या कहना चाहेंगे हम हज़म शुरा के कलाम में भी देखते हैं फ़र्क बात के कलाम में भी देखते हैं इब्ता में सतही शायरी का मुझे मौका मिला समझिए फिर भी आप लोगों ने आप लोगों की सरपरसी हासिल रही लेकिन बाद में अब जब हालात हाजिर पर हम देख रहे हैं तो गुल गुलगुल की शायरी से हमारा कोई ऐसा नहीं रहा मसायल पे आप मसायल पर ही शायरी आप देखिए आप मेरे काल में भी आप देखते होंगे अखबार में भी पढ़ते होंगे चार पाँच शहर कम अज़ कम मसायल की बुनियाद पर होते मेरे शायर एक दो शेयर जैसे आप फरमाएं बी यू पी एस एल पर होता मगर ज़्यादा फर्क इस वस्त हुआ कि हालात हमको बोलने पर मजबूर कर दिए नसर में नहीं कह सकता तो में कह के हम लोगों को मुतासर करते हैं और कुछ पैगाम देने की कोशिश करते हैं ये खास बात है देखिए आप लेकिन पहले जिस तरह गजल होती थी आज वो गज़ल शायरी <laughs> नहीं हो रही है इसकी वजह से मसायर में इजाफा है हमारी ज़िंदगी के शबोरोज़ ऐसे गुजर रहे हैं कि मजबूर कर रहे हैं कि हम वो टॉपिक छोड़ो आप वो टाकिल ख़दम हो गया है नए टॉपिक पर कहना शुरू कर जो अच्छा अलामा इकबल कि शायरी आप देख रहे हैं ना तो कैसा लोग खौब को जगाए उन्होंने खुद ही कर बुलंद इतना कहर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता रही रेजा कहा कितना तड़प कर कहा उन्होंने गुल गुल की शायरी में उनके पास आपको नजर नहीं आएंगे आपको हमको जगाने कोश की कोशिश की है उन्होंने आखिर तक एक एक शेर उनका देखिए आप मत सहले है जानो फिरता है फलक बरसो तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं ये भी किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है उस लिहाज से आप जो कहना चाहते हैं कि अभी जितनी शायरी में बदलाव आया है तो वो समाज को देखते हुए उनके मसाइल को देखकर शायरी भी की जा रही है अदरवाइज़ पहले ऐसी शायरी नहीं होती नहीं थी। होती थी तो मैं समझता हूँ शायक का मिजाज भी बदल गया है ऐसे ही शोरा को पसंद कर रहे हैं जो टॉपिक वाइज शायरी लेकर आए हैं बेशक बेशक आप सही फरमाए बिल्कुल सही फरमाए आप एक वाक़ बयान करूँगा मैं बीजापुर मुशाहरा तकरीबन बीजापुर में आठ मुशारे पड़ा तीन साल के अंदर इतना पसंद किया गया आपकी दुआ से जी जी तो एक कर्नाटक उत्सव बीजापुर उत्सव हुआ था जी जी तो उसमें तकरीबन पैंतीस शुरा को बुलाया गया था तो हैदराबाद से मुझे और अस्टम फसोही साहब को मधु किया गया था ढाई बजे रात को जब मुझे बुलाया गया तो पब्लिक अलहमदिल्ला इतने शाम ने हमलम बैठे हुए हैं और एक वजीर बैठे हुए हैं पब्लिक में बैठ के सुने हो

है, दिल से यहाँ जो भी काम करता है जमाना उसका ही जीना हराम करता है और एक मजा शहर आप फरमाइ किए वो अपने खाने का यूं इंतज़ाम करता है वो अपने खाने का यूं इंतजाम करता है खुसर के घर में महीनों खयाम करता है <laughs> अच्छा है। वो अपने <laughs> खाने का यूं इंतजाम करता है खुसर के घर में महीनों खयाम करता है और एक शहर देखिए कि बना हूं सदर जो मस्जिद की मैं कमेटी का बनाऊं सदर जो मस्जिद की मैं कमेटी का मेरा अदब भी मियाँ अब इमाम करता है क्या बात मेरा अदब भी मियाँ अब इमाम करता है और एक मतलब दो शेर देखिए कि मैं किसी को मशवरा देता नहीं मैं किसी को मशवरा देता नहीं मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं मैं किसी को मशवरा देता नहीं मशवरा मेरा कोई सुनता नहीं और शेर देखिए कि बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या मैं किसी के बाप से डरता नहीं <trousers> बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या मैं किसी के बाप से डरता नहीं और वक्ता देखिए बाप उसका एक मिनिस्टर है तो क्या मैं किसी के बाप से डरता नहीं फख्र मुझको अपने सर पर है शहर फख्र मुझको अपने सर पर है शहर वो किसी के सामने झुकता नहीं क्या वो किसी के सामने गजल का मतलब पेश कर जो वहाँ पेश किया था वैसे दो गजलें सुना था तीसरी गजल फरमाइश हुई थी मगर मुनासिब नहीं समझा मैं आके बैठ गया और सब लोग उस उस इकदाम की तारीफ भी किए अच्छा किया आपने उनको जिनका नाम पुकारा है हाँ हाँ। उनको सुना बोल मतला पेश कर रहा हूँ किसी से इश्क लड़ाना कोई मजाक नहीं किसी से इश्क लड़ाना कोई मजाक नहीं किसी से इश्क लड़ाना कोई मजाक नहीं फिर उसके नाज उठाना कोई मजाक नहीं आपने किया है किसी से इश्क लड़ाना कोई मजाक नहीं फिर उसके नाज उठाना कोई मजाक नहीं और एक मतलब देखिए कि हसीन बीवी को पाना कोई मजाक नहीं कोई मजाक नहीं हसीन बीवी को पाना कोई मजाक नहीं और उसको सर पे बिठाना कोई मजाक नहीं मजाक नहीं हसीन बीवी को पाना कोई मजाक नहीं और उसको सर पे बिठाना कोई मजाक नहीं एक मतलब और देखिए कि आप दो बीयों का जिक्र किए थे नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं अब बड़ी से उसको मिलाना कोई मजाक नहीं नई को घर में ले आना कोई मजाक नहीं और बड़ी से उसको मिलाना कोई मजाक नहीं मजाक नहीं आखिरी मतलब देखिए कि गमों को दिल में बसाना कोई मजाक नहीं गमों को दिल में बसाना कोई मजाक नहीं।, नहीं अरे गमों को सह के हंसाना नहीं क्या बात गमों को सह के हंसाना कोई मजाक नहीं और शेर देखिए कि वो सोती रहती है आ गया बे... वो सोती रहती है और मैं पका के रखता हूँ अरे क्या खिदमत है <laughs> <laughs <laughs> वो सोती रहती है और मैं पका के रखता हूँ पका के उसको खिलाना कोई मजाक नहीं कोई मजाक नहीं पका के उसको खिलाना कोई मजाक नहीं।, नहीं और शेर देखिए खुजाना पीठ तो आसान है सभी की मगर आहाहा खुजाना पीठ तो आसान है सभी की मगर खुद अपनी पीठ खुजाना कोई मजाक नहीं, नहीं। <laughs> <अपने> <laughs> कोई मजाक नहीं खुद अपनी पीठ खुजाना कोई बात कोई मजाक नहीं और शेर देखिए कि खास शेर कह रहा हूँ मेरे एक दोस्त थे इंतकाल हो गया असरची साहब उनको पेश नजर के लिखा जिंदगी भर बहुत अच्छी मुलाजमत की तो डिपार्टमेंट में पोलिस के काम करते हुए डिपार्टमेंट में पोलिस के काम करते हुए हलाल रोजी कमाना कोई, कोई मजाक नहीं डिपार्टमेंट में पोलिस का काम करते हुए हलाल रोजी कमाना कोई मजाक नहीं और शेर आपकी नजर कर रहा हूं हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने हाँ हाँ हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने अरे नजर को अपनी झुकाना कोई मजाक नहीं <laughs> क्या बात क्या ख्याल है बिल्कुल अरे बिल्कुल हसीन चेहरा जो आ जाए सामने अपने नजर को अपनी झुकाना कोई, कोई मजाक नहीं, नहीं। नज़र को अपनी झुकाना कोई मजाक नहीं आखिर शेर देखिए कि जहां तमाम ही शायर हो बस तरनुम के क्या बात है जहां तमाम ही शायर हो बस तरनम के वहां तहत में सुनाना कोई मजाक मजाक नहीं बहुत बड़ी बात वहाँ तहत तो न सुनाना जहाँ तमाम ही शायर हों बस तरनम के वहाँ तहत तो न सुनाना कोई मजाक नहीं वहाँ तहत तो न सुनाना कोई मजाक नहीं मक्ता देखिए कि हमारा लहजा ही पहचान है हमारी शहर क्या बात है हमारा लहजा ही पहचान है हमारी शहर हमारे शेर चुराना कोई मजाक नहीं हमारे शेर चुराना हमारा लहजा ही पहचान है हमारी शहर हमारे शेर चुराना कोई, कोई मजाक नहीं अब किसी से इश्क लड़ाना ला कोई, कोई मजाक नहीं फिर उसके नाज उठाना कोई, कोई मजाक नहीं।, नहीं बहुत ज़बरदस्त मजाक बहुत ज़बरदस्त कलाम आपने सुनाया फरीद साहब ये जो मौजूदा दौर है जिसे डिजिटल का दौर कहा जाता है ऐसे में शोरा की रीत क्या बनी है उस बारे में बताएं शोरा की रीत अच्छा जो रिवायत है अलहमदिल्ला शायरी दिन ब दिन तरक्की की मंजिल तय कर रही है आप देखेंगे आप हम यानी आप तो मुझसे बहुत छोटे हैं मैं सिक्सटी सिक्स से जब मैं इस मैदान में जब से बात कर रहा हूँ मैं आपसे इन्हें गिने शोर हुआ करते थे अब बाहर से किसी शायर को बुलाना तो लिस्ट लेकर बैठना पड़ रहा हमको कि किसको पेश करें यहाँ पर किसके कला में जान है तो अब तरक्की की तरफ मंजिलें तय कर रही है शायरी है। शायरी को कभी जवाल नहीं किया था, चाहे संजीदा हो चाहे मिजाज और संजीदा शोरा में भी अलहमदिल्ला इतने अच्छे नौजवान नस्ल दिख रही है मुझे हैरत होती अच्छा तो आप जैसा आपके सवाल के मुताबिक मैं कहूँगा कि शायरे में यानी जवाल नहीं शायरे को उर्दो ख़ास से उर्दू शायरे को नहीं नहीं कहीं आ, हमें ये लगता है फरीद सर साहब के मुशाओं का जो मिजाज है अभी तब्दील हो गया है ऑडियंस उतनी आ नहीं पा रही है चाहे स्टेज शो हो या मुशायरे भी क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स के लिए काफ़ी बार हो रहा है क्योंकि ख़र्चे अराजात सारी चीज़ें आ, ऐसे में क्योंकि आज डिजिटल का दौर है जिस तरह आपने बताया हाँ। पहले हम शोरा की लिस्ट देखा करते थे हाँ। कि भाई ये शायर को हम चूज़ करेंगे इसको लाएंगे करेंगे अभी आजकल कर देखिए और फिर डिजिटल जब से हो गया है आप फोन के जरिए ही सारे शोरा को हम सुन पाते हैं ऐसे में आपने बताया कि भाई इसको जवाल नहीं है नहीं, मैं मैं माना लेकिन मुशायरे जो कम हो रहे हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और इसमें इसका रीज़न यही है डिजिटल शहरी से नुकसान पहुँच रहा मगर अब जहाँ मुशायरे हमेशा होते हैं ना उन लोगों पर असर नहीं पड़ा मगर हमारे शहर में थोड़ा असर पड़ा है मैं देख रहा हूँ समझे डिजिटल और शायरी अपनी जगह है देख लेके खुश हो रहना मगर जो आडियंस के साथ देखते हैं ना उसका लुत्फ ही अलग रहता है वो लोग तो मुशायरे में शिरकत करना ज़रूरी समझते हैं जो उसकी ख्वाहिश बने अब आप लोगों को तो क्योंकि आप में बैठे बैठे भी उन्होंने मुशायरे का लुत्फ ले, ले हैं सकते लुत्फ ले सकते नहीं कहीं कहीं मुझे लगता है कि नुकसान भी हुआ है क्योंकि इससे एक चीज़ है तंज़ मजाक के मैदान में आप बताइए अभी कितने शोरा बाकी है या फिर नई खेप में अगर देखें तो कौन शौरा आ रहे हैं तंजो मिज़ा में हो या संजीदा में हो बहुत कम रह गए हैं जी सही है और ऐसे में मुशायरों का चलन ख़त्म होता जा रहा है मुशायरे मुनद नहीं हो रहा है हाँ हाँ जिक्र करने वाली आ, बात है। डिजिटल से नुकसान पहुंच रहा है आप उससे इतफ़ा करता हूँ मगर उतना ज़्यादा नहीं मेरे ख्याल में क्योंकि अभी भी आज व्हाट्सएप ग्रुप किसी में निकाल देखिए हिंदुस्तान के दखरे में पच्चीस मौत में मुशायरे नजर आएंगे आपको हो रहे हैं मुशारे है? नहीं होने का सवाल नहीं है अब कल ही जो है ना आप कर्नाटक में तीन मुशायरे हैं इधर मुंबई में के तीन मुशायरों के वो फ्लाइट्स आए हैं और आप तजुब करेंगे अमेरिका में तो मुसलतर तकरीबन पाँच छः मुशायरे मुझे सदारत के लिए वो ऑनलाइन मुशायरों के लिए कहा गया तो मैंने माजर ख़् कर लिया कि फ़ोन सिस्टम सही नहीं है नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा तीन चार मुशायरों में शिरकत किया सदारत भी किया मगर मतलब है कि डिजिटल रहने के बावजूद भी वहाँ पर महफिलें हो रही हैं जर्मनी में हो रहे हैं साहब अमेरिका में हो रहे हैं कनाडा में इवन जो है ना ऑनलाइन मुशायरे हो रहे हैं नहीं ऑनलाइन मुशायरे ठीक है अपनी नहीं नहीं ऑफलाइन आफ, भी हो रहे हैं बराबर नहीं मुझे लगता है कि हाँ जो नौजवान पीढ़ी असर तो पड़ेगा ना साहब हाँ। नहीं तरक् आप देखिए आप घर बैठे नौकरियां कर रहे हैं नौकरियाँ जो है ना ऑनलाइन जो है ना कोविड के आने के बाद से तो तकरीबन मुलाजिम है तो जो हाईटेक सिटी है, के हैं घरों में बैठ के किए लोग वहाँ आने का परमिनेशन नहीं था तो ऐसा तो हर फील्ड में सिर्फ मैदानी शहरी में नहीं है दीगर शोबे जात में भी नहीं आयाता हाँ इनता आया और लेकिन एक बात है फरीद भाई कि जिस तरह आप बताते हैं कि भाई अमरीका हो या कहीं हो फ़ोन के जरिए आप कलाम सुनाते हैं तो ना तो आप मुकमल तौर पर सेटिसफाई हासिल कर सकते हैं या फिर जो देखने वाला है जिस सर फरमाया कि भाई हाँ, हाँ, जो लुफ्त हाँ, हाँ, मुशायरों में हाँ, कर 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 सुनने में, में, में उसमें नहीं होता, उसमें नहीं होता होता तो उसकी अहमियत तो बरकरार रहेंगी देखेंगे आइंदा आइंदा क्या क्या होने वाला है नहीं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए उर्दू के तरक्की और तरवीज़ के लिए क्योंकि आप आए दिन मुरासलात अखबारात में देते रहते हैं और लोगों जो है देखते हैं फरी सहर साहब मुसलसिल मुरासिले लिखते हैं आप पढ़ते हैं मुझे हाँ <laughs> नहीं, नहीं तो लेकिन हाँ अभी नौजवानों को इस तरफ नहीं नस्ल को राग करने के लिए उर्दू वालों की बहुत अहम जिम्मेदारी है तो हम किस तरह जोड़ सकते हैं? है कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाते हुए सेकंड लैंग्वेज उर्दू लेना के लिए लाजमी तौर पर पाबंदी करनी चाहिए वालदेन को और एक उर्दू ज़बान लेने की और वजह है कि उस सारा महबहबी हमारा मैटर उर्दू में है तो वाकफ़ हो सकता है अपने मदहर से महब से और इसी तरीके से है ना शायरी के मैदान में भी उनको बुलाने के लिए उर्दू सिखाना ज़रूरी है जब उर्दू सीखेंगे तो उनको एहसास होगा कि भाई इतनी अच्छी शायरी उनको सुनने को मिलती तो जब मुशायरों को जवाल पजीर होने के बजाय तरक्की पर राह पर गजन हो किसी बहरहाल गुफ्तु तो बहुत सारी होती रहेगी कोई और कलाम जो आप के पिटारे में रह गया हो वो जरूर सुनाएं जी एक गजल का मतलब पेश कर रहा हूं एक गज़ल ऐसी कहूँगा देखना एक गजल ऐसी कहूंगा देखना जिसमें सबको ले मरूँगा देखना एक गजल ऐसी कहूंगा देखना, देखना जिसमें सबको ले, <laughs> जिस सब ले मरूंगा देखना, देखना और एक मतलब देखिए कि नेकियां घर अगर शौ करूंगा देखना क्या बात है अगर 100 करूँगा देखना गालियाँ दो सो सुनूंगा देखना अगर सौ करूंगा देखना गालियाँ दो सो सुनूंगा देखना और सारी महफिल दमब खुद रह जाएगी सारी महफिल दम खुद रह जाएगी सारी महफिल दम्ब खुद रह जाएगी जब तरन्नुम से पढ़ूँगा देखना सारी महफिल दमब खुद रह जाएगी जब तरन्नुम से पढ़ूंगा देखना और इस शेर पर तवज्जो तो चाहता हूँ आप चाहें मत करें इस पर यकीन आप आप चाहें मत करें इस पर यकीन बन के लायर सच कहूँगा देखना, देखना। <laughs> आप चाहें मत करें इस पर यकीन अब बन के लायर सच कहूँगा देखना इस शेर पर बतौर खास तवज्जो तो चाहता हूँ मेरे कॉन्फिडेंस के दाद दीजिए दम अभी पूरा भी निकलेगा नहीं दम अभी दम अभी पूरा भी निकलेगा नहीं सीधा जन्नत में घुसूंगा <ड़ाँ> देखना देखना <ड़ाँ> दम अभी पूरा भी निकलेगा नहीं अरे सीधा जन्नत में घुसूंगा क्या देखना। सीधा जन्नत में घुसूंगा <ड़ाँ> <ड़ाँ> देखना और ये शेर देखिए कि तुमसे कितनी है मोहब्बत क्या कहूं तुमसे कितनी है मोहब्बत क्या कहूँ आके दो में मिलूंगा देखना अच्छा तुमसे कितनी है मोहब्बत क्या कहूँ आके दो में मिलूंगा देखना एक भी शायर को छोड़ूंगा नहीं सबकी गजलें मैं पढ़ूंगा <laughs> देखना क्या बात है एक भी शायर को छोड़ूंगा नहीं सबकी गजलें मैं पढ़ूंगा देखना और मख्ता देखिए कारनामा कुछ नहीं मेरा शहर क्या बात है कारनामा कुछ नहीं मेरा शहर फिर भी मैं अवार्ड लूंगा देखना देखना फिर भी मैं अवार्ड लूँगा देखना कारनामा कुछ नहीं मेरा शहर फिर भी मैं अवार्ड लूँगा देखना।, देखना एक गज़ल ऐसी कहूँगा देखना जिसमें सबको ले मरूँगा देखना देखना बिल्कुल हम भी देखेंगे जज <laughs> <शुक्रिया दिसाकर दा। laughs> फरी सहर साहब आपने हर मौजू पर कलाम सुनाया है लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि शेर कहने से पहले आप क्या सोचते हैं बहुत मुश्किल सवाल है मगर कोशिश करता हूँ कि जवाब दो अब देखिए आप कोई मजनून लिखना चाहें याम के सामने दखिल करना चाहें तो पहले प्लानिंग करते हैं आप किस मौजूद में क्या कहना है तो मैं शेयर करने से ये सोचता हूँ कि सिर्फ हंसाना मेरा मकसद नहीं है हंसी हंसी में कोई मैसेज अवाम को देना चाहिए तभी मैं कामयाब शायर बस होगा तो मेरी गज़ल कोई माने नहीं रखती तो आप इसमें इस भी देखिए कि आप झूठ से बचाने के लिए लायर का जिक्र कर दिया तरन्नुम से के बारे में भी एक शेर कह दिया तो एक मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं अरे कलाम में सटायर होता है सटायर तंज।, तंज मेरे कलाम में अक्सर आप भी यकीन करेंगे और कई लोग बोलते हैं कि आपके पास मिजा कम है कहते हैं मतलब तो मुझे उसकी परवाह नहीं मैं तंज़ के जरिए लोगों को कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ तो बस शायद कहने से पहले सुन दूँ कि इस गज़ल में कितने तंज़ या शेयर होना चाहिए जब तक वो गज़ल नहीं मैं गज़ल को पूरी मुकम्मल नहीं करता मैं अच्छा से मेरा और मिजाह मजामिन में भी हार रहा मौजा सोखान के नाम से मेरे मिजाह मजमु शाये हुआ उसमें जो है ना उर्दू अकेडमी से इनाम भी मिला मुझे तो उसमें जो है ना बयालीस मजामिन हैं और तमाम मैं आपको महसूस हूँ मैं आपको प्रजेंट करूँगा तो मेरा नसर से लेकर नज़म तक मैं यही चाहता हूँ कि जितनी भी जिंदगी बाकी है कुछ लोगों की खिदमत में मशवरे पेश करूँ मशवरा नहीं देता बोला मगर बज़र तहरी अच्छा मेरी ख्वाहिशें रहती है सही बात है लेकिन आपने कहा कि भाई आपके हर कलाम में कुछ ना कुछ आप मैसेज देते हैं देखिए कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से नुकसान भी हो, हुआ होगा जैसा शायरों का सिलेक्शन होता है भाई जिस तरह आप ही बताते हैं कि भाई आपकी शायरी में ज़्यादा मिजा नहीं होता तो कहीं कहीं आपको मुशायरों के लिए रुकावट भी पैदा हुई है नहीं आपकी दुआ से मुझे विजा से तंज़िया शोरा पे शुरा भी तंजियादाद मिली अच्छा एक गज़ल के दो तीन शेर सुना के उसकी तस्वीर बात मैं एक मुशायरे पढ़ रहा था मोहतम रहमान जामी साहब मरहम अल्लाह उनकी व उठ कर माइक पर आकर गले लगा लिए तो मतलब यह था कि जहाँ में मेरा कोई अपना नहीं है क्या बात है जहाँ में मेरा कोई अपना नहीं है मुझे अब किसी से भी खतरा नहीं है क्या बात है मतले से हजरत उस जोश में आ गए अरे क्या कहने शहर के लगे जहाँ में मेरा कोई अपना नहीं है मुझे अब किसी से भी खतरा नहीं है अब वो जिस शहर के लिए मैं आपसे कहना चाहता था तो वो सुनिए कि जो है ना वरासत में डैडी ने कुछ भी ना छोड़ा विरासत में डैडी ने, ने कुछ भी ना छोड़ा मेरे वालद मोहतरम का इतना एहसान है कि वरासत में डैडी ने कुछ भी ना छोड़ा मेरा भाई बहनों से झगड़ा नहीं है क्या बात है

आज की मुलाकात हम यहीं खत्म करते हैं क्योंकि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे देता किसी और मुलाकात में और भी बहुत सारी बातें आपसे हम करेंगे मैं भी आपका, आपका। शुक्रिया अदा करता हूं और बेहद मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमने बहुत अच्छे प्रोग्राम मुनद किया और एक अच्छे एंकर होने का सबूत भी पेश किया जी जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया फरीद सहर साहब आज के लिए इतना ही ऐसे ही ताबिंद सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी आप अपने दोस्त और होस्त के भी जाने को इजाज़त दें खुदाफिज आदाब हैदराबाद